हेलो, नेक्स्ट जो क्लास अपनी वो है क्लास 12 की डे 154 और नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। ये भी एक छोटा सा पार्ट है जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन में तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो पहले हम समझ लेते हैं फिर इससे संबंधित क्वेश्चन की बात कर लेंगे। उदाहरण ज्यादातर पूछ ले जाते हैं और ऑप्टिक्स में देखो एक उदाहरण तो पूछ ही लिया जाता है, लगभग काफी बातें पढ़ ली हमने, अपवर्तन पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ लिया, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ लिया, उसमें अब हम प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं। इनमें सबकी अलग अलग घटनाएं हैं जो इनसे संबंधित है। एक घटना देकर ये पूछ लेते हैं कि यह है प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित है, तो हमें ये बताना है कि वो अपवर्तन से है, परावर्तन से है, पूर्णांतरिक परावर्तन से है, केवल नाम लिखना है और एक नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात तो प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन का सिंपल सा मतलब होता है फैलना। फैलना किसका फैलना, प्रकाश का फैलना, भिन्न भिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैलना। कैसे फैलता प्रकाश, जब प्रकाश किसी ऐसे कणों पर आपतित होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी बहुत ही बारीक पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल जो होते हैं उनसे ये घटना होती है, बड़े पार्टिकल से ये घटना नहीं होती है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि ये जो घटना किससे नहीं होती, एक तो जल के अणुओं से ये घटना नहीं होती, जल के अणुओं से। दूसरा धूल के या बड़े कणों से भी नहीं होती, कोई भी पार्टिकल है जिनका आकार ज्यादा है बड़े कणों से प्रकीर्णन नहीं होता है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं प्रकीर्णन होता है क्या है। जब प्रकाश ऐसे कणों पर आपतित होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में छोटा होता है, तो प्रकाश को वो कण अवशोषित कर लेते हैं और विभिन्न दिशाओं में उसको उत्सर्जित कर देते हैं, फैला देते हैं उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में, उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये कह सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, जब प्रकाश ऐसे कणों पर आपतित होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा से लिखते हैं तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है या ये लिख देते हैं उत्सर्जित होता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही पूछी जाती है प्रकीर्णन क्या है, ये ध्यान रखना। जैसे हम मान लें कि ये कोई पार्टिकल है बड़ा बड़ा है, लिख लीजिए क्या है छोटा है, और जब ये इस पर आपतित होता है तो इसका आकार जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग लंबाई, उसकी तुलना में क्या है छोटा है, तो ये प्रकाश जो है वो ये कण क्या करता है, इसको पहले तो अवशोषित कर लेता है और फिर इसको क्या करता है सभी दिशाओं में फैला देता है, और यही घटना क्या कहलाती है प्रकीर्णन कहलाती है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो घटना है वो बहुत छोटे पार्टिकल से होती है, बड़े कणों से ये घटना नहीं होती है, जल के अणुओं से ये घटना नहीं होती है, ठीक है। अब जो प्रकाश फैला है उसका जो मान है वो उसको हम तीव्रता से डिफाइन करते हैं कि उसकी तीव्रता कितनी है, कितनी होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है, ये बात पूछे। प्रकीर्णित मतलब जो प्रकाश फैला है, फैलने के बाद जो प्राप्त हो रहा है प्रकाश, उस प्रकाश को कहते हैं प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किस पे निर्भर करती है,
तनधेरे पे निर्भर करती है। आई से लिख सकते हैं तीव्रता को, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, यानी तनधेरे की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी रिलेशन महत्वपूर्ण है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब यहां से हमें ये भी पता चल जाता है, अगर ये रिलेशन पता है हमें और पहले हम पढ़ चुके हैं तरंगधेरे के बारे में, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है वो हमें पता है, तो हम यहां बता सकते हैं कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है तीव्रता, कौन से प्रकाश के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होती है। व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसकी तरंगधेरे सबसे ज्यादा है उसका मान सबसे कम आएगा, ये उल्टा संबंध है। तो सबसे ज्यादा तरंगधेरे किसकी होती है, लाल रंग की, इसका मतलब सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का, इसका मतलब सबसे कम प्रकाश कौन सा फैलेगा, लाल रंग का। और सबसे ज्यादा सबसे कम तरंगधेरे होती है किसकी, वायलेट की, तो वहां सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी जिसकी तरंगधेरे सबसे कम है, वायलेट की सबसे कम है, तो उसके लिए तीव्रता जो है वो सबसे ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा फैलेगा बैंगनी रंग का प्रकाश। अब देखो नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा फैलेगा। अब यहां दो बातें आ गई, सबसे कम विचलन या सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन आसमानी रंग लिख देते हैं, नीला रंग लिख देते हैं, नीले रंग का आसमानी रंग का इनका होता है। अब पूछते हैं इससे संबंधित उदाहरण, ये बात महत्वपूर्ण भी ध्यान रखें, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसका तरंग धैर्य जो ज्यादा है उसके अनुसार हमें पता चलेगा भाई उसके लिए विचलन, इसके लिए प्रकीर्णन कम होगा। किसकी तरंग धैर्य न्यूनतम है उसके लिए हमें पता चल जाएगा भाई उसकी तीव्रता जो है वो अधिकतम होगी। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण है, इसके एग्जाम्पल्स भी महत्वपूर्ण है, सिंपल से एग्जाम्पल है बस, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रकाश श्वेत प्रकाश क्या होगा, ग्रहण कर लेगा पार्टिकल तो वो अलग अलग दिशाओं में फैला देगा, फैलाएगा तो ज्यादा कौन सा फैलेगा, नीला रंग आसमानी रंग ज्यादा फैलेगा, सबसे कम कौन सा फैलेगा, लाल रंग सबसे कम फैलेगा। अब इसी से संबंधित बातें हैं, बाकी सबका क्रम जो है वो तरंग धैर्य के आधार पे इनके मध्य का होता है। सबसे पहली बात अब इसके अंदर आती है कि एग्जाम्पल में बादल सफेद होते हैं क्यों, बादल सफेद होते हैं पता है, हमें सभी को पता है बादल सफेद होते हैं ऊंचाई पर देखे तो, सफेद होते क्यों सफेद होते हैं, क्योंकि बादलों में क्या होता है, बादलों में जल की बूंदे होती हैं, बादलों में बादलों से बारिश होती है, जल की बूंदे होती हैं और क्या होते हैं, और उसके अंदर धूल के कण होते हैं, इन कणों का आकार ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बात लिखी थी कि जल के अणुओं से प्रकीर्णन नहीं होता है और बड़े जो कण हैं उनसे भी प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। इसका मतलब इस पर जो श्वेत प्रकाश आता है, व्हाइट लाइट आती है, सूर्य से आने वाला सफेद प्रकाश आता है तो उसका प्रकीर्णन होता ही नहीं है, यानी वो फैलता ही नहीं है और पूरा का पूरा व्हाइट लाइट वहां रहती है, इसलिए वो हमें ऐसे रूई की बड़े बड़े टाइप गुब्बारे टाइप दिखाई देते हैं, बिल्कुल व्हाइट दिखाई देते हैं, कॉटन की तरह सफेद दिखाई देते हैं। तो वहां पर कारण क्या है, अब आपको इसकी थ्योरी याद करने के लिए अगर लिखना चाहे तो वो दो लाइनें लिखनी है, इसके अंदर क्या लिखनी है कि बादलों में जल की बूंदे तथा धूल के कण होते हैं, कणों का आकार प्रकाश की तरंगधेरे से अधिक होता है, अतः सूर्य से आने वाला प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और श्वेत प्रकाश बादलों में विद्यमान रहता है, इसलिए बादल सफेद दिखाई देते हैं। दूसरी बात, कभी कभी बादल काले भी, बारिश का जो टाइम होता है उस समय हम पूरा अंधेरा सा छा जाता है, काले भी दिखाई देते हैं, उस समय क्या आता है आंधी का मौसम होता है, तो वहां से पार्टिकल जो है वो सारे चले जाते हैं, वहां इन्वायरमेंट लेस हो जाता है वो पार्ट, यानी वहां पर ये कहते हैं ऑक्सीजन तो रहती है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां वातावरण की अनुपस्थिति हो जाती है, अनुपस्थिति, वातावरण ही नहीं है तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं,
प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई भी रंग नहीं होगा, और कोई भी रंग नहीं होगा तो क्या होगा, सभी रंगों की अनुपस्थिति को ब्लैक कहते हैं, सभी रंगों की अनुपस्थिति को ब्लैक कहते हैं। तो जब बादल काले होते हैं वो किसके कारण, वातावरण की अनुपस्थिति के कारण, पर्यावरण वातावरण नहीं होता है, पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए वो जो बादल है कभी कभी काले दिखाई देते हैं, बारिश के से पहले इस समय अंधेरा हो जाता है थोड़ा, वो इन्हीं के इसी के कारण होता है। तीसरी बात बादलों से संबंधित थी, आसमान जो है, आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है, वो भी किसका कारण है। अब ऐसे पूछा जाता आकाश नीला दिखाई देता है ये किससे संबंधित घटना है, तो आपको केवल एक वर्ण लिखना है, किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है, ये बात ध्यान रखनी है। अपने अपवर्तन लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे परावर्तन, तो वो गलत है, वो वहां बस हमें वो पर्टिकुलर वर्ड ही पूछा गया है एक नंबर इक्वेशन में। तो आकाश नीला दिखाई देता है, आसमान ही दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, आसमान है तो उसका कलर नीला रहता है, इसलिए उस कलर को आसमानी कलर बोल देते हैं। तो आसमानी कलर दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उपस्थित है, वहां उपस्थित है पार्टिकल, तो जो श्वेत प्रकाश आता है, जो सफेद प्रकाश आता है उसमें क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, यानी प्रकाश जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। अब सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश फैलता है, नीले रंग का प्रकाश फैलता है, सबसे कम कौन सा फैलता है, लाल रंग का फैलता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का, नीले रंग का, तो सारा जो प्रकाश है वो नीले रंग का प्रकाश जो है वो अधिकतम फैल जाता है, इसलिए सब तरफ कौन सा भाग हो जाता है, सब तरफ ब्लू पार्ट हो जाता है, इसलिए हमें जो आसमान है वो आसमानी रंग या नीला रंग का दिखाई देता है। तो ये नहीं पूछा जाता भाई नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जाता है नीला दिखाई देता है इसका कारण क्या है, कारण क्या है, हमें केवल बताना है कि कारण इसका है प्रकीर्णन, एक वर्ड लिखना है, पूरी रामायण नहीं लिखनी हमें। अगर ये पूछा जाए भी बादल सफेद क्यों सफेद दिखाई देते हैं, किस घटना के कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है, जितना पूछेंगे उतना ही बताना है। फिर आती है नेक्स्ट बात, इसके अंदर एक दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, और खतरे के निशान, हाँ ये भी पूछ लिया जाता है, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, जो हम सड़कों पर देखते हैं तो वो लाल रंग के हमें बोर्ड दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि रात के समय गाड़ी ड्राइव करते हैं अपने, तो गाड़ी की जो लाइट है वो किस पे गिरती है, उस बोर्ड पे गिरती है। अब बोर्ड पे गिरती है तो अगर वहां पर वो रंग फैल जाएंगे, तो अगर वहां पर एच लिखा है तो एच अगर फैल जाएगा, इसमें लगा हुआ कलर फैल जाएगा, तो अगर इस तरह से दिखाई देगा तो वो एच हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, वहां कलर ऐसा होना चाहिए जो फैले नहीं का मतलब जैसे प्रकाश गिरा है तो परावर्तन के बाद सीधा वैसा का वैसा हमारी आंखों तक पहुंचे वो, और उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रकीर्णन सबसे कम होना चाहिए, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का, इसलिए खतरे के निशान कैसे बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो ये पूछ लेते हैं खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पूछ ले लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेले ने, एक वैज्ञानिक है, उसने ये रिलेशन दिया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कलर के जो तरंग दैर्ध्य है उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्डा 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4, इसके अनुसार जो है वो तीव्रता ली जाती है, वो तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करती है। तो ये एग्जाम्पल पूछ लेंगे, एक एग्जाम्पल और देंगे इसके अंदर, वो भी आप लिख नोट कर लें, वो है सुबह सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये क्या लिखते हैं अपने, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, किसी को नहीं दे रहा हो तो आज दे देना, लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें उस समय सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। इस समय सुबह और शाम को यहां से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है,
सबसे अधिक दूरी तय करती है। तो वहां से आने वाला जो प्रकाश है वो आते 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 कणों से टकराते टकराते आते हैं, आते आते फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है और फैलता रहता है, आसमानी कलर निकलता रहता है, निकलता रहता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, तो लाल रंग फैलता नहीं है, तो लाल रंग वहां विद्यमान रहता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, लाल रंग का दिखाई देता है सुबह के समय और शाम के समय। तो इसमें भी एक लाइन लिखे तो ये लिख सकते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें सबसे ज्यादा सबसे लंबी दूरी तय करके हम तक पहुंचती है, जिस कारण प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण बाकी जो कलर है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग वहां विद्यमान रहता है तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य सुबह और शाम के समय। तो ये देखो ये एग्जांपल सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखो इसके अंदर बहुत बढ़ गए क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सबसे पहला क्वेश्चन प्रकीर्णन क्या है, एक क्वेश्चन, दूसरा प्रकीर्णन की तीव्रता किस बात पे निर्भर करती है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा रेले का नियम क्या है, ये रेले का नियम प्रकीर्णन अभी, ठीक है, इसको थ्योरी में लिखे तो लिख सकते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता प्रकाश के रंग के तरंग धीरे के, प्रकाश की तरंग धीरे के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा लिखते हैं। और उसके बाद पूछे तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, फिर सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये घटनाएं, इनका जरूर आप ध्यान रख लें, भी घटनाओं को समझना चाहें तो आप समझ लें, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट के अंदर, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप और उनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली नोट भी कर लें तो बाद में फ्यूचर में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, अब देखो सारी बात सबकी जड़ यही है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर हम रिलेट कर सकते हैं, ये बादल सफेद दिखाई दे रहे हैं, सफेद का मतलब उसमें प्रकीर्णन हुआ ही नहीं है, और प्रकीर्णन तो इसमें नहीं होता, जल में नहीं होता और बड़े रंगों में बड़े कणों में नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि बादलों में जल की बूंदे होती है, हमें पता बारिश आती है तो वहीं से बादलों से आती है, तो जल की बूंदे विद्यमान रहती है, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो उनका भी आकार वहां ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर जो प्रकाश जाता है उसका प्रकीर्णन होता ही नहीं है, वो फैलता ही नहीं है, व्हाइट का व्हाइट ही बड़ा रहता है, इसलिए हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं, बाकी सभी हमने डिस्कस कर लिए बार बार करने की जरूरत नहीं, तो इनको आप समझ लें, शॉर्ट में लिख लें, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन काफी पढ़ते हैं लेकिन सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन है जो अगर ये समझ लें आप पूरा तो फिर एक बार में जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे हम आंसर दे देंगे इनका, तो इनको रिवाइज कर लें, बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज है ये जो चल रही है, शॉर्ट क्वेश्चन वाली क्लासेज मैंने हमेशा बताया भी सबसे महत्वपूर्ण क्लासेज शॉर्ट क्वेश्चन की रहती है, डेरिवेशन तो फिर भी हमें नॉर्मली पता रहता है, एक चैप्टर में चार पांच है कोई ना कोई आ जाएगा, कोई याद कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, इस एक टॉपिक में भी कौन सी बात पूछ ली जाए, हो सकता है एक भी ना पूछ जाए, तो किसी भी पार्ट से किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, पढ़ लें आप इनको, रिवाइज कर लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थैंक यू।